जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था कि लूसेंट का जो जीके है और RS अग्रवाल का मैथ है, उसको कैसे बनाना है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लूसेंट पढ़ने के बाद, क्योंकि लूसेंट अगर आप अच्छा से पढ़िएगा तो वो 2 महीना में क्लियर हो जाएगा। अगर आप ग्रुपिंग से पढ़िएगा तो वो 2 महीना 3 महीना के लिए बहुत ही काफ़ी है। अगर लूसेंट के साथ साथ हम आपको कुछ बुक सजेस्ट करना चाहते हैं, वो बुक भी साथ साथ आप पढ़िए। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे ये जो है घटना चक्र है, हम बार बार आपको बोलते हैं कि किसी का भी घटना चक्र ले लीजिए, रेलवे का, या फिर ये जो घटना चक्र है ये PCS का है, ये स्टेट PCS का घटना चक्र है। इसी प्रकार जो आता है रेलवे का भी घटना चक्र आता है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप स्पेशली रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे का घटना चक्र जरूर पढ़िए। अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे रेलवे, BSSSC, कोई भी स्टेट PCS, यानी कि हर चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है घटना चक्र स्टेट का भी पढ़िए और रेलवे का भी पढ़िए। तो जिसमें इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे जैसे भारतीय इतिहास है, इसमें आपका है पाषाण काल, तो आपका जो लुसेंट में भी पाषाण काल रहेगा। आपको जो है लुसेंट से जो है पाषाण काल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप घटना चक्र में देख लीजिए पाषाण काल, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का और इधर साइड में जो होता है सब्जेक्टिव, वो भी आप पढ़ लीजिए। अगर पहले आप लुसेंट का पढ़िए पाषाण काल, उसके बाद जब उसका क्लियर हो जाए तो तब आप जो है यह घटना चक्र का जो है पढ़िए पाषाण काल। उसी प्रकार जो है अगला है सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन धर्म, ये सारा चीज़ जो है आपका लुसेंट में भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। उसी प्रकार से है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, आपका जो है लुसेंट में भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। आप लुसेंट से पढ़िए, उसके बाद आप इससे देखिए पढ़िए, आपका जरूर जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो है लुसेंट से, इसमें भी कुछ ऐसा रहेगा जो आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। इसलिए जो है आप जो है घटना चक्र को जरूर पढ़िए, रेलवे का या स्टेट PCS का, दोनों ही बेहतर है। उसके बाद आपको साइंस, साइंस का देखिए ये घटना चक्र है आपका, ये है आपका समसामयिक घटना चक्र 2019, आप इसका जो है लेटेस्ट वर्जन ले सकते हैं 2021 का। अब देखिए साइंस, जो लुसेंट आप साइंस पढ़ते हैं उसमें आपका मात्रक और इकाई लुसेंट में भी दिया हुआ है, और इसमें भी आपका देखिए मात्रक और इकाई दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा भी फैक्ट होता है जो लुसेंट में नहीं रहता है, आपको इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट PCS का है और रेलवे का भी घटना चक्र आप ले सकते हैं, उसका यूथ कंपटीशन का आता है वो ले सकते हैं। और इसमें भी आपका जैसे केमिस्ट्री में देखिए, यहाँ परमाणु संरचना इसमें भी है, आपको लुसेंट में भी परमाणु संरचना मिलेगा। यानी कि पहले आप लुसेंट पढ़िए, उसके बाद आप घटना चक्र पढ़िए, या फिर आप दोनों साथ साथ लेके चल सकते हैं। उसी प्रकार आपका विज्ञान में भी आपका जैव विकास है, उसमें भी होगा, इसमें भी है, यानी कि आप घटना चक्र जरूर लेकर चलिए। ये देखिए ये विज्ञान का घटना चक्र है। उसी प्रकार से अगर आप जो है 2019 वाली ग्रुप डी दे रहे हैं, उसका स्पेशली आप ग्रुप डी का ही तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो देखिए यूथ कंपटीशन का ये मैथ का है, रेलवे का ये घटना चक्र है, यानी कि रेलवे में अभी तक यहाँ देखिए ग्रुप डी NTPC रेलवे, JEE, RPF, कॉन्स्टेबल, पैरामेडिकल, ALP स्टेज 1, ALP स्टेज 2, यानी कि इतना में 2019 का जो है, यहाँ देखिए कहाँ गया, वर्ष 2019 से अभी तक, यानी जितना भी TCS का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है मैथ का, आपको सारा जो है इसमें मिलेगा। यानी कि अगर आप RS अग्रवाल बना लेते हैं तो साथ साथ इसको भी आप साथ में बनाइए। हम आपको दिखाते हैं, जैसे अगर आप RS अग्रवाल में संख्या पत्ति बनाते हैं, RS अग्रवाल का जो है संख्या पत्ति बना लीजिए, उसके बाद जो है आप इसको बनाइए, आपका जो है एक सेट प्रैक्टिस की तरह काम करेगा। इसमें भी देखिए संख्या पत्ति है, RS अग्रवाल में बनाने के बाद आप इसे भी बनाइए, ये भी आप नंबर सिस्टम है, उसका नंबर सिस्टम बना लीजिए, उसके बाद इसका नंबर सिस्टम बना लीजिए। आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा जो RS अग्रवाल में नहीं है, हम खुद ये बनाए हुए हैं, इसी को हम बनाकर जो है NTPC का एग्ज़ाम इस बार दिए हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद जैसे इसमें भी परसेंटेज है, आपको RS अग्रवाल में भी परसेंटेज मिलेगा, तो पहले आप RS अग्रवाल को बनाइए, उसके बाद जो है आप इससे परसेंटेज बनाइए।
आप घर बैठे भी बना सकते हैं या ग्रुपिंग में भी बना सकते हैं, आपको बहुत ही काम देगा ये किताब। उसी प्रकार से आपका ये रीजनिंग का आता है घटना चक्र, अगर आप रीजनिंग किसी भी किताब से अभी तक नहीं बनाए हैं तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इससे रीजनिंग बनाइए, आपको यही बहुत काम देगा। इसमें जो आपका चैप्टर वाइज है, इसमें सारा जो रीजनिंग जो है रेलवे ग्रुप डी रेलवे में अभी तक पूछा हुआ इसमें सारा है। इसका जो करेंट लेटेस्ट वर्जन जो आया है आप वो ले लीजिए, आपको वो बहुत फ़ायदा करेगा, उसमें और एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहेगा। तो इसमें देखिए ये रीजनिंग का है, ये भी यूथ कंपटीशन का ही है, ये घटना चक्र ही है समझिए एक प्रकार से। रेलवे में अभी तक TCS में जितना भी रीजनिंग पूछा गया है सारा रीजनिंग आपको इसमें मिलेगी। तो आपने देख लिया, उसी प्रकार से जितना भी आप घटना चक्र है वो ले लीजिए और उससे बनाइए, आपको जो है 2019 वाली ग्रुप डी में 100% जो है आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो अभी जो हम जा रहे हैं ड्यूटी पर, आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।